हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जांपल 14 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। एक बार देखते हैं भाई, रीड कीजिए। प्रूव दैट cot a माइनस cos a डिवाइडेड बाय cot a प्लस cos a इक्वल्स टू cosec a माइनस 1 ओवर cosec a प्लस 1। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में यह बताया था कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो सब कुछ आप क्या कीजिए, साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके लिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले क्या है, आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं। एक था पहला कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर साइन थीटा। सेकेंड था हमारा सेक थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस थीटा। थर्ड था हमारा टेन थीटा जो कि था साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। कॉट थीटा का हमारा फॉर्मूला था कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। और एक और फॉर्मूला होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। इसकी जरूरत कम पड़ती है। बाकी जो हमारी 3 आइडेंटिटीज है जो इस एक्सरसाइज की है वो तो आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। आइए इधर आ जाइए। मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे आपके तो आपके कुछ बातें जो है वो माइंड में होनी चाहिए। फर्स्ट कि आपको सब कुछ साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, मोस्टली। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर एक क्वेश्चन में होगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। फिर आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि हो सकता है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सॉल्व करनी पड़े। इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट ये आपके माइंड में होना चाहिए कि जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हुआ आऊंगा तो मे बी वो राइट हैंड साइड के इक्वल ना आए, तो उस केस में हमें राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना होगा और दोनों को मैच करना होगा कि हमारा आंसर इक्वल है या नहीं। ये आप एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन में देखेंगे। आइए बात करते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इस एग्जाम्पल की। तो लेफ्ट हैंड साइड तो भाई यही है। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, सब कुछ साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज करना है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ओवर साइन। क्या होता है, कॉस ओवर साइन। भाई यहां पर कुछ भी नहीं है, देखो सिर्फ कॉस है। तो क्या मैं कॉस ए ओवर 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय, अच्छा कॉस में मैंने कुछ भी नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला सब कुछ साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज करना है। ये तो ऑलरेडी कॉस की टर्म्स में है, तो इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाइए कॉट पर। कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ए ओवर साइन ए। बीच में प्लस है, कॉस की जगह पर कॉस ही रहेगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। अब जरा आप सही से देखिए, न्यूमरेटर में कॉस कॉमन है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो मैं न्यूमरेटर से कॉस कॉमन ले रहा हूं। जब मैं न्यूमरेटर से कॉस कॉमन लूंगा तो यहां पर बचेगा 1 ओवर साइन ए माइनस, देखिए यहां पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1, यहां पर बचेगा 1 ओवर 1, या फिर सिंपली आप 1 कह दो तब भी काम चल जाएगा। यहां पर भी कॉस डिनोमिनेटर में कॉमन है तो मैं यहां से भी कॉस कॉमन ले रहा हूं। जब आप कॉस कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, 1 ओवर साइन ए। यहां से जब कॉस निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया। 1 ओवर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा, क्योंकि यहां पर थीटा की जगह पर ए है तो इसलिए हम कॉसेक ए लिखेंगे। बीच में है माइनस, फिर है 1 डिवाइडेड बाय। 1 ओवर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉसेक ए। बीच में प्लस है तो प्लस। अब जरा सही से देखिए यह किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के इक्वल। हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको यह वाला क्वेश्चन करना है। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आपने इंट्रोडक्शन और बेसिक्स अच्छे से कर रखे हैं तो। और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।